हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? किसमें बनाना, किसने चाह रही है? मैं कैसे आ रही हूँ, क्या मुझे कहाँ देखना है? हेलो, आप आ गई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? मेरा शाहजेब भी बिल्कुल ठीक है, आराम फरमा रहे हैं, तभी हम लोग व्लॉग बना रहे हैं इस टाइम। तो जनाब, आज के व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना चाहिए लोग? आज है शाहजेब के जितने भी गिफ्ट्स मिले थे उनकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं कुछ लेके आया हूँ हमारे लिए। बेटा, ये सब मेरी चीज़ें, ये लो। मैं कुछ लेने गया था, गर्मी बहुत लग रही थी। ना एसी चलता है ना पंखा चलता है, यार जुल्म है मेरे पे। ना पंखा, ऐसे रहना पड़ेगा। और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी अलाउ नहीं मुझे अभी तो। अभी कैमरा के पीछे पी ना। नहीं, वीडियो बनाओगे हो तुम्हारी? नहीं, पियूंगी तो गर्म करके। देखो, पीनी जरूर है कोल्ड ड्रिंक। नहीं, ठंडी नहीं है। कुछ बोलना है? क्या बोलना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। चलें जी, हम ये खाते हैं पीते हैं फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, पक्का। चलें सही, इस पे 1000 लाइक आएगे तो पक्का। इससे पिछले वाले लोग, इससे पिछले से पिछले वाले वाले लोग में, हाँ मिला वाले में शायद नजर आ रहा है बहुत। चलें प्रॉपर दिखा देंगे ना हम, एक काम करें। मेरी क्या बोल रही थी? मैंने लो, ये लो, इधर तो होगा लो। तो रिफ्रेशमेंट हमारी हो गई है, अब हम करते हैं स्टार्ट व्लॉग। स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं शाहजेब के गिफ्ट्स की। डाल दो। मैं ये तो मेरे पास एक गिलास भी किसी ने पड़ी है। पी लो, पी लो। तो रिफ्रेशमेंट हमारी हो गई है, अब हम करते हैं स्टार्ट व्लॉग। स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं शाहजेब के गिफ्ट्स की। मेरी सब चीजें जा रही नीचे, रखिए इधर। और ये भी उतारो सब। ये आप उतारो। मैं क्यों उतारूं? आप उतारो। चले, ये इसकी बुआ फुफो। हाँ फुफो, सॉरी। और अली सब ने एक चीज़ छुपाई हुई। क्या छुपाई अली सब ने? शाहजेब की गाड़ी हमने अलमारी में छुपाई हुई, क्योंकि जिद कह रहा है मुझे दो और ये लेके तोड़ ही देगा। दिखाऊं? ये इसमें है गाड़ी। हाँ, क्या कह रही है अब? चीज़ें दिखाओ, दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम कम है। ऊपर जाके चढ़ के मस्तियाँ करूँ उन पे सब पे। ऐसे रुका नहीं जा रहा बच्चे से, पता नहीं। ये देखो ना, ऐसे रुका नहीं जा रहा, बोला मस्तियाँ करूँ मैं। मस्ती। क्या है? तो मेरे ये झूला था। इसका स्टैंड कहाँ पर है? हाँ, स्टैंड मैंने निकाल लिया, मैंने इसको बैट बना। सही, और क्या है? तो अभी मैं झूले की आदत नहीं डालती। सही, और क्या है? इसको बैट की आदत है। और ये ब्लैंक शाहजेब की छोटी दादी की तरफ से, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी। आज ड्रेस पहना हुआ है ना, वो उसकी बड़ी दादी का। सही, मतलब उसकी ऑफिशियल दादी जो है वो। और ये क्या है? ये उसकी नेट वाली है। नेट वाली, चले सही है। हम कहते हैं उर्दू में मच्छरदानी। और ये बाकी सारा जितना में सामान है ना, वो है पूरा का पूरा उसके ननिहाल की तरफ से। सही, सिवाय इसके ये फानूर वालों ने दिया था ये वाला बॉक्स। और ये वाली शर्ट भी मेरे लिए फानूर ने दी थी साथ में। और बाकी सब वो भी शाहजेब की दादी ने दिया है, वो वाला ये रहा जैकेट और शर्ट है, ये ड्रेस। हां, ये दादी ने दिया। और ये चीज है, खोल के दिखा दें। सब ननिहाल की तरफ से। अब मैं खोल के कैसे देखूं? ये क्या है? मेरी ड्रेस है। ये क्या है? हाँ, ये वाला। ये ड्रेस पहनी है कब? अच्छा, हाँ, ये ड्रेस जो है ना, ये थोड़े बड़े साइज के लिए। ये इतने बड़े के पहने है कब? ये ली को पहना था मैं। ये वाले दिखाओ, ये ली को पहना रहा हूँ मैं। क्यों देखो, उसकी दादी लाई है ना, नानी लाई है ना शाहजेब की, तो शाहजेब के ये देखो, ये वाला बड़े साइज के हैं जितने भी हैंगर में ना। ये दो साल के बच्चे, एक एक साल, दो दो साल। मुझे तो ये वाला तो तीन साल का लगता है। अच्छा, हाँ ये बूढ़ी जो है। हाँ, ये सारे बड़े बड़े हैं। और ये सब गिफ्ट चाहिए। हाँ, बाकी सारे छोटे हैं। बाकी छोटे हैं। आपको कितना सूट मिले? मैं ये करूंगा देख के, मेरे किस काम के? अच्छा, कपड़े किस काम के होते हैं? मेरे पास इतने की, मैं खुद के नहीं पहनता। कितने हैं? इसमें कुछ क्या डाला है? उर्दू स्पीकिंग में तो ताया कहते हैं। हाँ, चाचा ने
लेकिन आप लोग चाचू कहते हो, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, सिंधी में चाचा ही कहते हैं। सही है। सबसे बड़े चाचा ने, मतलब सबसे बड़े ताया ने लिया। सही सही। ये देखो मस्त लगा पर अपनी दुनिया में। मैं अपनी एक कुर्ती खोल के दिखाती हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, मैं कल पहनूंगी। दिखाओ कौन सी कुर्ती है। अच्छा जब का फेस रिवील होगा ना। जी 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 उसके लिए मैं तैयार। अच्छा ये वाली कुर्ती है, इस कुर्ती से मैं एक थी तो सी इस तरह की आई थिंक थी ना सी कुर्ती, लेकिन ये कुछ ज्यादा मुड़ी भी नहीं है। मेरी खाला को सिद्राजी इधर कर दे कैमरा, सिद्राजी अब मैं पतली हो गई हूं। ऐसी ड्रेस में बस थी तो सही। चले कल पहनोगे तब देखेंगे क्या लगती हो। चले बिलहाल आप सबने गिफ्टें देख ली, यही बच्चे को गिफ्टें आई थी, गिफ्टें और हमें बहुत से लोग बोलते हैं गिफ्ट ले लें, पर हमने किसी से ली नहीं क्योंकि हमने सिर्फ उनसे लिए जिनको हम जानते हैं। वरना तो एड्रेस दे दो, ये दे दो, मुँह दिखाई भेजेंगे, ये हमने मना कर दिया सबको। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अब हमारे पास इतना है। नहीं, दूसरी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र हमारे पास इतना है कि हम जिस चीज पे हाथ रखें वो चीज ले सकते हैं। देखो खुशी। चलो सही है, हाथ रख रही हूँ मैं जाके किस पे। देखो इसकी खुशी आप लोग खुशी से अंदाजा लगा लो। किस पे हाथ रखूं हैं? अरे नो नो, मैं किस चीज। चलो ऑफिशियल बताओगी क्या ये सच है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अली नहीं 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 जा रहे, नहीं जा रहे। हाँ जी नहीं नहीं जा रहे। तो हम इस वीडियो के साथ कुछ क्लिप लगाने वाले हैं जो कि हमारी थी। कौन सी क्लिप की थी? मिलाद वाले दिन। मिलाद की लोग बोले मिलाद फंक्शन ये सब चीज़ें दिखा दें, और कुछ और भी क्लिप्स हैं वो देख लें आप सब लोग। ठीक है, ऐसे हाथ रख दो कैमरे पे। क्या हाथ रखूँ, अभी कुछ वीडियो एंड थोड़ी करना है वीडियो। आएगी ना फिर वो वाली क्लिप आएंगे ना। चलो ये लगा दिया हाथ। बीबी के साथ प्रिया अम्मा की ड्यूटी स्टार्ट है। टाइम बताती हूँ, 11 बजने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फरियाल की ड्यूटी रात भर होती है। जी तो फरियाल ये जो अलार्म है ये आपको बार बार उठाता है? अच्छा हर घंटे नहीं होती है, मैं ना तो को के। अच्छी बात है से भी तो अच्छी बात है यार, माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। ये घर में नहीं। अब आप फरियाल को देख रहे हैं अल्लाह हु करते हुए। इनकी न्यू ड्यूटी स्टार्ट है बेबी को संभालने की। हाँ बेटे क्या हाल कब हो गया? बुरा हाल। काम कर करके जी तो यहाँ पर फरियाल ने मुझे फीडर बना के दिया था, और तो मैंने कहा मैं फीडर पिला देती हूँ क्योंकि शाहजेब रो बहुत रहा था, अपनी मम्मा से चुप नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है मैं उसको दूध देती हूँ। तो बट ये गोदी में आते ही मेरे सो गया था, ये दूध नहीं पी रहा था। मैंने कहा ये सो चुका है। तो ये किरण एजाज जो थी वो व्लॉग मेरा कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने ये क्लिप बनाई थी। तो फरियाल जो है वो बाहर गई थी क्योंकि उसको शोएब भाई बुलवा रहे थे किसी काम से, तो वो बाहर गई थी। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर उसका बेबी लेके। चले जी तो अब मैं चलती हूँ और फरियाल थक चुकी हैं, तो आप आराम करिए।